राजगढ़ पुलिस तुम होश में आओ, आरोपियों को गिरफ्तार करो, आरोपियों को गिरफ्तार करो। राजगढ़ पुलिस प्रशासन तुम होश में आओ, आरोपियों को गिरफ्तार करो। राजगढ़ पुलिस तुम होश में आओ, राजगढ़ पुलिस तुम होश में आओ, आरोपियों को गिरफ्तार करो, आरोपियों को गिरफ्तार करो। राजगढ़ पुलिस तुम होश में आओ, राजगढ़ पुलिस तुम होश में आओ, चूरू पुलिस तुम होश में आओ, चूरू पुलिस तुम। नाबालिग बच्चियों को ले जाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करो, नाबालिग बच्चियों को ले जाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करो। धरना स्थल पर मेरे साथ आए सभी खुटी के, रतनपुरा के, चलाड़ा वास के से अपनी बात को लेकर पीड़ित परिवार के लोग लगातार राजगढ़ पुलिस प्रशासन के सामने अपनी मांग रख रहे हैं कि हमारी जो बेटियां हैं उन बेटियों को ले जाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करो। इसको लेकर हमारे नरेंद्र जी, हमारा प्रतिनिधि मंडल और उन परिवार के सदस्य, इन सभी ने इस राजगढ़ के थाना अधिकारी के सामने, एडिशनल के सामने और सब अधिकारियों के सामने हमने ये मांग रखी कि हमारी बेटियां पिछले 2.5 महीने से इस बात आज राजगढ़ थाने के सामने इनके गांव के लोगों ने धरना दिया है। राजगढ़ के पुलिस के अधिकारियों, अरे सोचो अगर आपकी बेटियों के साथ ऐसा कोई करता करते तो आप क्या करते। समझ नहीं चाहिए आप इन लोगों को। अरे कोई पीड़ित आपको न्याय मांगने के लिए आता और आप इस चूरू के अंदर ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा सर्दी पड़ती है और वो थाने के सामने बैठा हो। इससे यह पता चलता है कि राजस्थान की पुलिस और राजगढ़ की पुलिस को क्या हो गया है और इनका क्या उद्देश्य क्या है इनका। इनका तो कम से कम बैठ के उस पीड़ित परिवार को बैठाते, उनसे बात करते, उनको देखते और उनको पैसे में खाते गिरवाने वाले आदमी का नाम ये उन पर पूछते हैं। अरे कुछ तो समझो, कुछ तो देखो। इसलिए कहता हूं सियाई साहब, आप राजगढ़ थाने के आप मुख्य हो, आपको आपको सोचना चाहिए कि ऐसी जगह कौन सी और कौन खा गया उन लड़कियों को और कौन उन आरोपी वो कहां गए, कौन हार निकल गया वो। अरे देखो क्या ये सरकार आपकी है, आप यहाँ के मुख्य हो। इसलिए मैं कहना राजगढ़ थाना अधिकारी से कि वो इस बात को मनन करते और आगे की कार्रवाई के लिए मैं नरेंद्र भाई से अपनी पूरी बात बताएंगे। राजगढ़ पुलिस तुम होश में आओ, राजगढ़ पुलिस तुम होश में आओ, राजगढ़ पुलिस तुम होश में आओ। राजगढ़ में आयकर पड़ गए कि साहब हमारी सुनवाई करें, हमारी बच्चियां नाबालिग बच्चियों को अगवा कर लिया गया है, आप हमारी बातें सुने, साहब हमारी बातें सुने। एडिशनल एसपी शाही साहब और तो एसपी साहब तक भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पता नहीं इस प्रशासन के ऊपर ऐसा कौन सा दबाव है जो आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रहा है। गांव खोटी की घटना में बताता हूं आपको कि 2.5 महीने से बच्ची गायब है। प्रशासन पुलिस परिवार से मैं निवेदन करता हूं कि आप थोड़ी बहुत सोचो, आपके भी परिवार है, आपके भी घर बहन बेटी होगी, लेकिन पुलिस प्रशासन जो तक इस बात पे नहीं कर रहा है। आप सब साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, गांव खुटी के लोग कब से